बहुत मारा मेरे बच्चे को, मेरा एक जीने का सहारा। उन्होंने वो भी खो लिया मुझसे, मेरे बच्चा वो भी खो लिया। उसकी वाइफ अभी, उसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। मेरा बच्चा चला गया, मेरे पास कोई नहीं है जीने का सहारा। उन्होंने मेरा बच्चा ही खो लिया मुझसे। उन्होंने एक बार ही नहीं सोचा कि मेरे घर का चिराग चला गया उनकी वजह से। मैं किसको जाके बोलूं? राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ क्राइम इस मोड़ पर आ चुका है जिसको देखकर लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। बता दें आप सभी को कि दिल्ली के टैगोर गार्डन के ढाबे में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको देखकर लोग चौंक जा रहे हैं, मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के चंद्र विहार इलाके में। बता दें कि यहाँ पर रहने वाले एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। बता दें टैगोर गार्डन में स्थित काफिला ढाबे में जब वो खाने पीने जाते हैं, वहाँ पर फूड ऑर्डर करते हैं, थोड़ी सी बहस के चक्कर में, क्योंकि खाने आने में देरी हो रही है, जाहिर सी बात है हम भी खाने जाते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी को लेके या फिर देरी को लेके हमारी बहस हो जाती है। तो वैसे ही मामूली से बहस के चक्कर में बता दें कि वहाँ पर मौजूद कर्मचारियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मुठभेड़ के बीच में जब ढाबे के मालिक आए तो उन्होंने वहाँ पर अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर सीख रॉड के साथ युवक पर वार किया। सीख रॉड क्या, कौन सा सीख रॉड की बात कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ, वो जो सीख कबाब में डालते हैं ना सीख, उस रॉड के साथ युवक के ऊपर हत्या किया गया है। युवक के पेट में 3 से 4 रॉड मारा गया है, साथ ही में युवक के सिर पर रॉड मारा गया है, एक पार से डाल के दूसरे पार निकाल दिया गया है सीख रॉड को, साथ ही में गले में 2 रॉड मारे गए हैं, सीख रॉड मारे गए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कह रहे हैं पोस्टमार्टम होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके जिस्म में, क्योंकि जिस तरीके से युवक के शरीर पर, युवक के जिस्म पर घाव आए हैं, जिस तरीके से रॉड को घुसा घुसा कर युवक को मारा गया है, साथ ही में माँ का ये भी कहना है कि चाकू से लेकर युवक के साथ मारपिटाई की गई है। क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं उनके परिवार वालों से। दीनदयाल अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया था जहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया है, वहां पर हमने उनके परिवार वालों से भी बात करी है। क्या कुछ हुआ है आइए आपको बताते हैं। हनी घर से निकला कल शाम को 7 बजे, बस अपने ऑफिस में था, उसके बाद बैठा हुआ, बारिश बहुत थी, उसकी वाइफ ने फोन किया, मैंने भी फोन किया, तेरा बारिश बहुत हो रही है, बस मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में। हमने 3:30 बजे उससे वीडियो कॉल पे बात करी है, फिर खाने का ऑर्डर दिया था, बता नहीं भगवान जाने वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं पता हमको। बस उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मेरे बच्चे को गोद दिया, मेरा बच्चा मर गया वहीं पे ऑन द स्पॉट, खत्म हो गया मेरा बच्चा। इतनी इंजरीज हैं उसको, इतनी इंजरीज हैं उसके, यहाँ से सरिया मार के यहाँ से निकाला हुआ है, उसका दिल फाड़ दिया, उसके यहाँ मार दिया, उसके यहाँ यहाँ उसको इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ है। आपको क्या किसी पे शक है, कोई दुश्मन हो या कोई ऐसा? कोई प्रूफ है, वीडियोस आई हैं, काफिला वाले हैं जो रेस्टोरेंट है, किचन वाला है, उनके मालिक बेटे ने और उनके लेबर्स ने उन्होंने मारा है, और मार के उसे वहीं पर रखा है, क्योंकि वो उसी समय उसकी नहीं थी, तो मेरी बैकग्राउंड की वजह से जगह जगह लगी। किन्हीं ने उस वक्त हेल्प नहीं करी उनको? कोई था नहीं वहाँ पर उसके पास, कोई नहीं था। वहाँ से दोस्त निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसकी स्कूटी यहाँ की खड़ी है, तो उन्होंने जाके देखा कि उसकी स्कूटी है, तब पता चला कि देखा तो वहाँ पर ऐसा नाइफ कह रहे हैं और सरिये, जो चिकन जिसमें लगता है वो सरिये हैं, वो उसमें उससे मारा उसको, बहुत मारा मेरे बच्चे को, मेरा एक जीने का सहारा। उन्होंने वो भी खो लिया मुझसे, मेरे बच्चा वो भी खो लिया। देखिए थोड़ी सी तसल्ली रखिए, अभी अगर आप अपना पेशेंस खोएंगे तो कैसे होगा, आपको उनको इंसाफ भी दिलवाना है ना, ठीक है? तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए आप। उसकी वाइफ अभी, उसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। मेरा बच्चा चला गया, मेरे पास कोई नहीं है जीने का सहारा। उन्होंने मेरा बच्चा ही खो लिया मुझसे, इतना कौन सा कसूर कर दिया था मेरे बच्चे ने, जो उसको जान से ही मार दिया, इतना मार दिया। कुछ नहीं, पुलिस वालों ने हमसे अभी तक कोई बात नहीं करी है, कुछ नहीं किया हमसे, कोई बात नहीं करी, कोई पुलिस वाला हमसे बात करने नहीं अभी तक आया।
मैं नहीं पता पुलिस वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, किसी के अंदर खौफ ही नहीं रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब किसी को जान से मारना इतना आसान हो गया, उन्होंने एक बार ही नहीं सोचा कि मेरे घर का चिराग चला गया उनकी वजह से, मैं किसको जाके बोलूं, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना किसी से। दें कि सारा मामला रजौरी गार्डन के थाने में दर्ज हुआ है। वहीं पर जांच में पता लगा कि मृतक का नाम हरदीप सिंह सचदेवा था, उनकी उम्र 29 साल थी। काफिला नामक ढाबे में जब वो गए थे खाने पीने, और उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देरी हो रही होने के कारण उनके बीच में एक मामूली सी बहस हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर ढाबे के मालिक केतन नरूला और अजय नरूला आए वहाँ पर कर्मचारियों के साथ, और ढाबे के मालिक के साथ उनके बीच में कहासुनी हुई। उनके बाद वो कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसके बाद से वहाँ पर ढाबे के कर्मचारियों ने, जैसे कि परिवार वालों का आरोप है, पुलिस ने अब ये बात बताई है, ढाबे के कर्मचारियों ने वहाँ पर मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट गई, रॉड को उनके शरीर में घुसाया गया है, सीख रॉड को उनके गले में डाला गया है, चाकू के साथ बेरहमी से उनको मार दिया गया। फिलहाल इस वक्त उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया, और साथ ही में अभी उनके घर के बाहर मौजूद है, उनका घर देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि अभी हम दीनदयाल अस्पताल पे गए थे, हमने वहाँ पे इनके परिवार वालों से भी बातचीत करी है, इनकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, किसी का इकलौता बेटा उनकी आंखों के सामने से गया है, काफ़ी ज़्यादा उनकी बहन भी परेशान है। जिस तरीके से यहाँ पे काफिला ढाबे में ये जो पूरा खेल रचा गया है, जिस तरीके से यहाँ पे काफिला ढाबे में कर्मचारियों ने जो हरकत करी है, वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो इस युवक की जान ली है, जिस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा दिल को दिला देने वाली बात निकल के सामने आई है। फिलहाल बता दें कि पुलिस इसके पीछे जांच में जुटी हुई है, आरोपी को पकड़ने के पीछे जुटी हुई है, और किसने हत्या करी है, क्या करी है, इसकी अभी हम फिलहाल कोई पुष्टि नहीं करते हैं। और फिलहाल पुलिस अभी बताएंगे कि आरोपी के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल क्या कुछ आगे होने वाला है, इस अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज़तर्रार को ज़रूर देखते रहें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज़तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।